हेलो एवरीवन वन एंड ट्रांसप्रेशन इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन है द मोस्ट सूटेबल केमिकल विच कैन बी अप्लाइड टू वाटर सरफेस फॉर रिड्यूसिंग एबापोरेशन एबापोरेशन को कम करने के लिए कौन सा केमिकल हम अप्लाई करते हैं मिथाइल एल्कोहल एथायल एल्कोहल सिटाइल एल्कोहल एंड ब्यूटाइल एल्कोहल तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन सिटाइल एल्कोहल और स्टेरल एल्कोहल हम यूज करते हैं इबापोरेशन को कम करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है आ सकता है ए फाइन स्प्रिंकल ऑफ़ न्यूमरस वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ साइज लेस देन जीरो पॉइंट फाइव एम एम साइज है जीरो पॉइंट फाइव एम एम से कम और जो इंटेंसिटी है वो है बन एम mm एम पर आवर से कम ठीक है तो जो ऐसा पार्टिकल होता है स्प्रिंकल होता है उसको ड्रीजल बोला जाता है ठीक है वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म है बूनों की एक फॉर्म है, है ड्रीजल जिसका साइज जीरो पॉइंट फाइव एम एम से कम होता है और इंटेंसिटी एम एम पर आवर से कम होती है सेलिनिटी इन वाटर रिड्यूसेज देशन यदि सेलिनिटी है वाटर में तो इवापोरेशन क्या होगा कम हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू केसियस स्टेट एट दी सरफेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एन इवापोरेशन पानी का भाप में बदलना इवापोरेशन कहलाता है लाइसीमीटर इज यूज टू मीजर लाइसीमीटर किस लिए काम में आता है ये इवापो ट्रांसपरेशन को मीजर करने के लिए काम में आता है अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है वाटर लॉस थ्रू द लीप ऑफ प्लांट इज टर्म एज पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनसे जो वाटर लॉस होता है उसको बोला जाता है ट्रांसप्रेशन ठीक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल बेपर प्रेशर टू दैचुरेशन बेपर प्रेशर एट देशर यदि सेम टेम्परेचर है तो एक्चुअल बेपर प्रेशर का सेचुरेशन बेपर प्रेशर से जो रेशियो होता है उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाता है सेम टेम्परेचर पे लॉस ऑफ वाटर कॉज्ड बाई दी लीव्स ऑफ दी ग्रोइंग वेजिटेशन ग्रोइंग वेजिटेशन की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे लॉस ऑफ वाटर होता है उसको बोला जाता है ट्रांसप्रेशन ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लॉस फ्रॉम प्रिसिपटेशन प्रिसिप्टन से होने वाला लॉस कौन सा नहीं है वाटर सेड लीकेज ये प्रिसिप्टन से होने वाला लॉस नहीं है प्रिसिप्टेशन से होने वाले लॉसों में इंटरसेप्शन आता है इंटरसेप्शन का मतलब है झाड़ियाँ पेड़ पौधों में से पानी नीचे पहुँच ही नहीं पाता है सरफेस तक इनफिल्ट्रेशन जो पानी अंदर चला जाता है एवाको पानी उड़ जाता है भाप के ये तीनों लॉस प्रिसिप्टेशन के हैं वाटर सेड लीकेज जो लॉस है वो प्रिसिप्टेशन का नहीं है ठीक है अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें